नाजरीन, अखाड़ा की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे चौधरी रियासत इलेक्शन में जीत जाएगा और जीत का बहुत बड़ा जश्न मनाएगा, और जब इस दौरान वो पहलवान हाकम अली के घर आएगा, उसे मिठाई का टोकरा पेश करेगा, तो हाकम अली और चौधरी रियासत के दरमियान तकरार होगी। इसी तकरार को वजह बनाकर चौधरी रियासत दिलशेर और उसके उस्ताद अशरफ पर हर तरह से जुल्म सितम करेगा, उनके ग्राउंड को सील करवा देगा जहां पर वो प्रैक्टिस करता था, और दूसरी जानब अपने बेटे को चैंपियन बनाना चाहेगा। मगर दिलशेर भी फैसला करेगा कि किसी भी हालात में वो हार नहीं मानेगा, वो अपनी प्रैक्टिस को मजीद बढ़ा देगा। और बहुत जल्द जब दिलशेर और रुस्तम का रिंग में सामना होगा, तो दिलशेर आखिरी सांस तक उनका मुकाबला करेगा और किसी भी सूरत हार तस्लीम नहीं करेगा, और रुस्तम से चैंपियनशिप जीत लेगा, जिसके बाद चौधरी रियासत और रुस्तम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना होगा। और इसी बात को वजह बनाकर सितारा भी रुस्तम से अपना ये रिश्ता तोड़ देगी और कहेगी कि मुझे सिर्फ चैंपियंस पसंद है, और जब तुम चैंपियन बन जाओगे और तभी मेरा सामना करना। तो नाजरीन, क्या दिलशेर रुस्तम को रिंग में हरा पाएगा? क्या रिंग में हराना रुस्तम को इतना ही आसान साबित होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।